वेलकम बैक यूट्यूब माय चैनल विकास राजपूत ब्लॉग आपके साथ। देखिए आज मैं हॉस्पिटल आया हूँ। अब मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल हो रहे थे, आज दिखाने आया था डॉक्टर साहब को। ये हॉस्पिटल देखिए, लेडी हार्डिंग, लेडी हार्डिंग में दिखाया है तो वहाँ पे दवा नहीं मिली अंदर, अब मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। पर्चा बनवाने में बहुत भीड़ लग रही थी, कम से कम 2 घंटे हो गए लाइन में लगते हुए, बहुत भीड़ लग रही थी। सरकारी अस्पताल है, ये देख सकते हैं। से दवा लेनी पड़ेगी, बहुत कॉस्टली पड़ेगी। बहुत बेहतरीन बना है लेडी हार्डिंग। ये नई बिल्डिंग है, इसमें खाली ओपीडी चलती है और अभी इसमें सर्जरी वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुई। सुनने में आ रहा है कि 5-6 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने ड्यूटी पे, अपने ऑफिस। डॉक्टर साहब ने इतनी दवा लिख दी कि हम कंफ्यूज हो गए कि सुबह खानी, शाम खानी, ये रात को खानी, ये क्रीम लगानी सुबह, फिर मुंह धुलने, फिर सन क्रीम लगानी, बहुत सारी क्रीमें, कंफ्यूज हो गए। सारी क्रीम दिमाग से बाहर हो गई, कौन कब लगानी है। अब गाइस फार्मेसी में जाएंगे, वो मुझे बताएंगे, समझाएंगे अच्छे तरीके से, जब मेरे समझ में आएगा कौन कब दवा खानी है, कब लगानी है। गाइस 1 साल से परेशान थे, आप देख रहे होंगे कितने सारे मुँह से उठ रहे हैं, मतलब चेहरा बहुत ख़राब हो रहा था। और बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, अब दिखा ले, मतलब आज मौका मिला मुझे दिखाने का, आज मैंने दिखा ही लिया। सब फ्री था फिर भी नहीं दिखा पा रहे थे, मतलब पर्चा फ्री बनना, दवाइयाँ वगैरह फ्री मिलनी, मतलब मुझे तो दवाइयाँ मिली नहीं, फ्री बाहरी से लेनी पड़ेंगी। अब 12 बज गया है, अब अपने ऑफिस जाएं, टाइम भी हो गया। वो गाइस हम आ चुके हैं अपने ऑफिस। गाइस हम आ चुके हैं, वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।